जे तुहाडे मन च कुछ करन दा जनून होवे तां कोई भी मुश्किल तुहाडे हौसले सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकदी। इह साबित कर दिखाया पिंड शहर दे मेहगांव कस्बे दे अजनौल पिंड दी रोशनी भदौरिया ने। रोशनी ने एम पी बोर्ड की दसवीं की प्रीख्या 98.5% अंकों नाल सूबे च 8वां रैंक हासिल किया। उसकी सफलता का कारण साइकिल राही 24 किलोमीटर का सफर तय करना है। हुण रोशनी भदौरिया मध्य प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बन जा रही है। इस प्राप्ति तो बाद रोशनी के परिवार में खुशी का माहौल है। रोशनी का स्कूल महगांव तो 12 किलोमीटर की दूरी पर है। रोशनी रोज पढ़न आउंदी सी। अजे स्थिति विच उसनू साइकिल राही 24 किलोमीटर का सफर तय करना पैंदा सी। रोशनी ने कदे हार नहीं मनी अते अपने टीचे लई अगे वधदी रही। बरसात दे मौसम दौरान कई बार पिंड विच हड़ आया। अजे स्थिति च ओह घर नहीं आ सकदी सी। इस स्थिति विच महगांव च अपने दादा जी दे घर दे आगे स्कूल जांदी सी, पर उसका पढ़ाई प्रति जनून घट नहीं होया। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਬਸ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੇਲਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ अगर पढ़ने अगर मैं सब कुछ महंगाओं में ही है, कोचिंग महंगाओं में है, स्कूल भी महंगाओं में है, तो जाना पड़ेगा। कभी कभी तो साइकिल का टायर भी पंचर हो जाता था, लेकिन पापा रुपए दे के भेजते थे मुझे, तो उतनी ज़्यादा कठिनाई मुझे हुई नहीं और सब कुछ ठीक रहा। रोशनी के पिता पुरुषोत्तम भदौरिया अपनी धी की सफलता तो फुले नहीं समा रहे। उन्होंने कहना है कि कुछ साल पहला तक पिंड विच कोई स्कूल नहीं सी, फिर धी उन्होंने मोढ़ियां ते नदी पार करके स्कूल जाती रही। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਧੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਹਿਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਹਮ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀ। ਹਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਲੜਕੀ अपने बलबूते पे अच्छे नंबर लिए। सर हम तो किसान हैं, हम तो अब यही 12 तक पढ़ाने के योगदान कर पाएंगे और फिर बच्ची के ऊपर है जितना उन पे बनेगा वो करेंगे, नहीं तो फिर। IAS अधिकारी बनने की इच्छा रखने वाली रोशनी ने गुरु पूर्णिमा मौके पहला ही वधिया अंक प्राप्त करके गुरु दक्षिणा दिती। रोशनी के स्कूल के प्रिंसीपल ने दसिया कि रोशनी शुरू तो ही एक होशियार विद्यार्थन और एक ऑलराउंडर है। और सिर्फ पढ़ाई विच ही नहीं बल्कि और गतिविधियों विच भी आगे है। विद्यालय में वह प्रतिदिन गांव से ही पढ़ने आती थी, जो शासन के द्वारा साइकिल प्रदाय की गई थी उसके द्वारा पढ़ने आती थी। सिंसियर थी, पढ़ने में बहुत मन लगाती थी। पढ़ने के साथ साथ वह भाषण में खेलकूद में उसका मन भी बहुत लगता था। विद्यालय के जो स्टाफ था उन्होंने भी जब ऐसा लगने लगा, हमको भी ऐसा लगने लगा कि यह बालिका पढ़ने में होशियार है, तो उसको अलग से भी प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं विद्यालय स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सब के प्रयत्नों से बालिका ने तो मेहनत की ही है और हम सबको गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। आज हमारा विद्यालय, विद्यालय परिवार, तहसील, उसका गांव निश्चित रूप से इसका गौरव अनुभव कर रहे हैं। मीडिया विच रोशनी भदौरिया की खबर नु वेखदियां उस समय दी महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने महिला बाल विकास दी ब्रांड एम्बेसडर दा ऐलान किया। दूजे पासे राज्यसभा दे संसद मेंबर विवेक तनखा ने रोशनी दी प्रतिभा तो प्रभावित होके उसके घर लैपटॉप भेज के भविख ते पढ़ाई लई मदद दा भरोसा दिता। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ETV ਭਾਰਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਭੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਊਂਗੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਭੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ IAS ਅਫੀਸਰ ਅਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ ਹੀ ਬਣੂੰਗਾ। रोशनी वड्डी हो के IAS अधिकारी बनना चाहती है। ब्रांड एम्बेसडर बारे रोशनी नु ज्यादा जानकारी तो नहीं है कि ब्रांड एम्बेसडर की हुंदा है, पर उसने दस्या कि जदों किसी नु प्रेरणा बनने की जिम्मेवारी मिल रही है तो वह इस नु पूरी तनदेही नाल निभावेगी।
रोशनी की कहानी अज उन्हां सारे लोगों लई एक प्रेरणा बन गई है जो लड़कियां नूं मुंडियां नालों घट समझदे ने। अज रोशनी पदौलिया ने अपनी प्राप्ति कारण ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पिंड जिला अते मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया अते हुण उह राज विच महिला अते बाल विकास विभाग का चेहरा बनन जा रही है। उसके पिंड जिला अते राज लई इस तों वधिया होर की हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.